एक क्वेश्चन है, जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, थिएटर में मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, किसी मैरिज फंक्शन में जा रहे हैं, किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, या कहीं पे भी मतलब किसी भी प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंजॉयमेंट करते हैं, रादर कि हम लोग पढ़ाई की तो बात बिल्कुल भी नहीं करते, पढ़ते तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या कभी आपने वहाँ पे मैथ का क्वेश्चन सॉल्व किया है? कभी साइंस की बुक लेके गए हो? कभी इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी या कोई भी SST भी, क्या कोई चीज़ आपने उससे रिलेट की है? नहीं की। तो फिर जब आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, या किसी ट्यूशन सेंटर जा रहे हो, या आप किसी इंस्टीट्यूट जा रहे हो, तो वहाँ पर ये सारी बातें एक्स्ट्रा करने क्यों ज़रूरी है? जब उन जगहों पर पढ़ाई इज़ नॉट अलाउड, देन वाई पढ़ाई वाली जगह पर ये सारी चीज़ें अलाउड होते आती हैं? वो ऐसा है, वो ऐसी है, उसने वे किया, उसने वो किया, वो ये वो यो यो यो, यो वाई क्यों? जब एक बर्थडे पार्टी में आपकी पढ़ाई के कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, तो फिर पढ़ाई वाली जगह पर बर्थडे का डिस्कशन क्यों हो रहा है? जब थिएटर में सिर्फ सारा ध्यान मूवी में है, तो फिर पढ़ाई वाली जगह पर सारा ध्यान पढ़ाई पे क्यों नहीं है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि उठता है, और पढ़े लिखे बच्चों के लिए तो ये एक क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने क्या पढ़ा लिखा है, जब उनको इतना ही नहीं पता चला कि पढ़ने वाली जगह पर सिर्फ पढ़ाई की बात होनी चाहिए और सिर्फ पढ़ना ही चाहिए। अगर उनको बातें ही करनी थी तो फिर किसी पार्क में चले जाते, किसी कॉफ़ी शॉप पे चले जाते, तो ज़्यादा बेटर हो जाती बातें। बहुत क्वेश्चन है, मुझे तो इसका आंसर नहीं मिला, है तो आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन सिलेबस से रिलेटेड ज़रूर है। तो काइंडली इसका आंसर अगर आपको मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।